हे स्टूडेंट्स तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज करंट गेन इन अ ट्रांजिस्टर तो देखिए बेटा करंट गेन इन अ ट्रांजिस्टर ये दो टाइप का है तो कॉमन बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं या फिर एसी करंट गेन बोलते हैं और नेक्स्ट है कॉमन एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या एसी करंट गेन दोनों ही एसी करंट गेन है लेकिन एक्चुअली डिफरेंस क्या है दोनों में एक है कॉमन बेस के केस में एक है कॉमन के केस में तो देखिए बेटा सबसे पहले जो कॉमन बेस करंट फैक्टर उसको अल्फा से डिनोट किया जाएगा और जो कॉमन एमीटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है दैट इज डिनोटेड बाय बीटा क्लियर तो देखिए अगर हम कलेक्टर बेस वोल्टेज को कांस्टेंट रख दें कलेक्टर बेस वोल्टेज को कॉमन रख दें कॉन्स्टेंट रख दें सॉरी रेशो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमीटर करंट इज कॉल्ड कॉमन बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्लियर है और ऐसे ही कॉमन एमीटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अगर हम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रख दें देन द रेशो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू देंज इन बेस करंट इज नोन एज कॉमन करंट एम्पलिफिकेशन फैक्टर क्लियर है कॉमन बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और कॉमन एमीटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्लियर है एल्फा एंड बीटा तो आइए अब हम फाइंड करते हैं रिलेशन बिटवीन एल्फा एंड बीटा तो देखिए फिर देखिए बेटा आपको पता है एमीटर करंट इक्वल होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट क्लियर है अगर स्मॉल चेंज हो अमीटर करंट में तो बेस करंट में भी स्मॉल चेंज आएगा कलेक्टर करंट में भी स्मॉल चेंज आएगा अब दोनों को डिवाइड कीजिए बाय डेल्टा आईसी क्लियर इसको डेल्टा आईसी से डिवाइड किया इसको भी डेल्टा आईसी से और इसको भी डेल्टा आईसी से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो के वन बचेगा आपके पास क्लियर है अच्छा देखिए डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई ये हमारे पास एल्फा के इक्वल था डेल्टा सी बाई डेल्टा आई बी ए हमारे पास बीटा के इक्वल था क्लियर है तो अब डेल्टा सी अगर मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊं देखिए बेटा इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा आई ई सॉरी बेटा ऊपर वन डिवाइड बाय नीचे क्या है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई यानी कि मैं ऊपर वाली टर्म को नीचे इधर डिवाइड में ले आया क्लियर है और इसी तरीके से मैं इसको भी लिख सकता हूं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है एल्फा तो ये आ गया वन बाय एल्फा और इसी तरह से प्लस में आएगा वन बाय बीटा प्लस वन क्लियर है तो यहां से बेटा हमने सिंप्लीफाई करके एल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करी तो वो वैल्यू कितनी आई बीटा अपॉन वन प्लस बीटा क्योंकि देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे दैट इज वन प्लस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा तो ये वैल्यू वन बाय एल्फा की आई तो हमने इसको उल्टा करके लिख दिया एल्फा इसको भी उल्टा करके लिखेंगे बीटा डिवाइड में बचेगा वन प्लस बीटा क्लियर है बेटा तो एल्फा की वैल्यू ये आ गई इसी तरीके से यहां से आप बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे ठीक है तो ये रिलेशन है एल्फा और बीटा के बीच में या तो ये इसको आप याद रखिए या इसको याद रख सकते हैं क्लियर है तो सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन एल्फा एंड बीटा